हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता ब्यूटी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज का मैं मेकअप ट्यूटोरियल है, रिक्रिएशन है तारा सुतारा का। उनका इंस्टाग्राम पिक मैंने रिक्रिएशन किया है, ये रिक्वेस्ट था अमीज गर्ल का। तो गाइस, हम सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज कर लिए हैं, देन यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्राइमर और अच्छे से टीज़ोन एरिया पर ब्लेंडिंग कर लिया है। देन गाइस, मैं लगाऊंगी स्विस ब्यूटी का एलो इल्यूमिनेटर। तो गाइस, मैं इसको लगा लूंगी, इससे आपका बहुत ही फ्लॉलेस स्किन लगती है, बहुत ही शाइन करता है जैसा कि आप मेरा देख सकते हैं। देन यहाँ पे क्लैमी का मैं लगाऊंगी HD फाउंडेशन। तो आज मैं अपने फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ही मैं इसे ब्लेंडिंग करूँगी। तो ध्यान रखिए, जब भी आप फाउंडेशन को ब्रश से ब्लेंड करते हो तो डैप डैप करके आपको ब्लेंड करना होता है, तो बहुत ही नेचुरल लुक खिल के आता है। और देन गाइस, मैं कंसीलर अप्लाई कर लूँगी और इसी ब्लेंडर के सॉरी इसी ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंडिंग कर लूँगी। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और वीडियो को प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। देन गाइस, यहाँ पे मैं फेस पाउडर की हेल्प से अपना कंसीलर एरिया सेट कर ली हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे पसीना आता है पूरा मैं फेस अपना सेट कर रही हूँ। देन यहाँ पे अपना आईब्रो सेट करूँगी, ये मेरा NYB का ब्लैक आईब्रो पेंसिल है। तो गाइस, मैं इसको लगाने के बाद इस पुली की हेल्प से मैं सेट कर ली हूँ अपना आईब्रो, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर की हेल्प से अपना मेकअप फिक्स कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि समर चल रहा है, तो इस तरीके से अगर आप मेकअप करोगे तो आपका मेकअप कभी भी किकी सा नहीं होगा, ना ही ब्लैक होगा, ना ही आपको ज़्यादा पसीना आएगा। लेकिन गाइस, जैसा आप लोग को पता है कि तारा सुतारा का आई मेकअप कैसा उनने किया था, तो यहाँ पर मैं ट्रांसल्यूशन कलर लेके अच्छे से ब्लेंडिंग कर लिया है। और देन गाइस, वहाँ पे ये मोव पिंक कलर मैंने लिया है और अपने आईलेट पे इसे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो गाइस, आज थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है तो मैनेज कर लीजिएगा। देन गाइस, यही उन्हें पर्पल कलर उनका है, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ अप्लाई करने का। तो गाइस, मेरे आई शैडो में वो कलर नहीं था तो मैंने लिपस्टिक के कलर से लगाया है। तो गाइस, मैं लोअर लेसेस पे भी वही मोव पिंक से अपना लोअर लेसेस पे भी अप्लाई कर लूँगी, ताकि मेरा आई थोड़ा स्मोकी लगे। और आई शैडो पैलेट में से ही मैं यहाँ सिल्वर कलर लेके अपने ब्राउ बोन पे लगा ले रही हूँ, और अपने आईलेट के पास ये कॉर्नर में, इनर कॉर्नर में मैं ये वाइट कलर लगा ले रही हूँ। और देन गाइस, यहाँ पे इनसाइड कंपनी का मैं लगाऊँगी, ये मेरा लिक्विड आई लाइनर है, तो इसको मैं अप्लाई कर ली हूँ। और देन गाइस, मैं काजल अप्लाई करूँगी, तो मैं उनकी तरह कोशिश कर रही हूँ मेकअप क्रिएट करने की। बट गाइस, मैंने जब कर लिया यहाँ पे मस्कारा भी अप्लाई कर लिया, तो मुझे लगा कि उनकी तरह नहीं खिल के आया है आई शैडो। तो देन मेरे पास यहाँ पे हाइलाइटर वगैरह सब मैंने अप्लाई कर लिया था, फिर मेरे पास इस कलर की लिपस्टिक थी, तो उससे मैं अपने आई शैडो को थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। और गाइस, यहाँ पे मैं लगाऊंगी ये मेरा स्विस ब्यूटी का मैट लिक्विड लिपस्टिक है, ये मेरा सेट नंबर है 03। तो गाइस, इसी तरह ये कॉफ़ी कलर है, ये लाइट कॉफ़ी कलर है, तो तारा सुतारा ने यही कलर अप्लाई किया है, तो मैं वही कोशिश कर रही थी कि उनकी तरह थोड़ा वो तो कॉपी हो ही जाए। आप लोग कभी बताइए, ये रहा मेरा फाइनल लुक, मेरा मेकअप उनके तरीके हुआ है कि नहीं, और थोड़ा सा भी उनका आई मेकअप मैं उनसे मैच कर पाई हूँ कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगाओ तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो अधिक से अधिक लोगों में प्लीज़ शेयर कीजिए। मुझे कम से कम, ज़्यादा नहीं, 1000 व्यूज़ आप लोग दिला दीजिए। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, और किसका रिक्रिएशन देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।